छोटी छोटी बातों पे हल्की फुल्की यादों में करते रहते हैं ये नादानियां, मीठी मीठी है गलती फहमियां, कोई भी ना जाने इनकी परेशानियां। मुसीबत है, क्या मसला है रमेश तुम्हारी मम्मी के साथ? अपने आगे किसी की चलने क्यों नहीं देती वो? अरे भाई क्या चलने नहीं देती, गोलियां, तीर, चाकू और वो क्या कहते हैं चाबी वाले खिलौने। रमेश मुझे ड्रामा देखना है। किसका? मेरी मम्मी का। अरे रमेश दूसरा ड्रामा देखना है ना, रोज चैनल ही नहीं बदल रही। रिमोट में सेल नहीं होंगे ना रिजा। अरे रिमोट कस के पकड़ के बैठी है, दे ही नहीं रही। तुम्हें रिमोट देखने, तुमने पहले कभी नहीं देखा क्या? अरे भाई रिमोट होगा तुम्हें चैनल चेंज करूंगी ना, ढाई घंटे से बुलबुले देखे चले जा रही। अभी तो कह रही हो कि टीवी देखनी है। रमेश तो टीवी में ही तो बुलबुले देख रही है। अरे रिजा तुम भी पागल हो गई हो, टीवी में नहीं बनते, वॉशिंग मशीन में बनते हैं बुलबुले, जब ज्यादा पाउडर डालो तो। तुम दोनों अम्मा बेटे ना बिल्कुल पागल हो। अरे ड्रामा देख रही है टीवी पे बुलबुले। अच्छा वो चलता है ना बुलबुले। अच्छा देखने दो। रमेश ढाई घंटे हो गए वो मुसलसल देख रही है, कितना देखेंगे? यही बात अब आवाम कहती है, हम कितना देखेंगे। मुझे दूसरा ड्रामा देखना है, प्लीज मम्मी से कहो के चैनल चेंज करें। क्यों, उस चैनल पे क्या बुलबुले का मैराथन चल रहा है जो ढाई घंटे से खत्म नहीं हो रहा? अरे वो डीवीडी पे लगा के देख रही है, तुम्हें पता है मेरे कितने सारे ड्रामे मिस हो गए? कहाँ डीवीडी पे, तुम आर्टिस्ट हो क्या? अरे बेवकूफ, टीवी पे ड्रामे आ रहे हैं, मूवीज आ रही है, मुझे वो देखनी है, मम्मी से कहो के डीवीडी बंद करे। जाके कहता हूँ उनसे, तुम्हें तो मम्मी की खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती है। छोटी छोटी तौबा है, मम्मी का दिमाग नहीं खत्म मुसलसल बुलबुले देख कर, हैरत है। मीठी मीठी है गलती फहमियां। मम्मी भाई शुक्र है कि आप वो बुलबुले नहीं देख रही। बशीर मुझे ना कोई बंदा बहुत छेड़ रहा है। है? मम्मी क्या हो गया, कौन बशीर? वो मेरे वो हैं। वो कौन? वो जो सब औरतों के होते हैं। बबाल? नहीं, जो हमेशा औरतों के साथ रहते हैं। पागल मसले? और नहीं हो, जो निकाह के वक्त भी नाल ही बैठा होता है। मौलवी साहब? और नहीं हो, खामन को उर्दू में क्या कहते हैं? शोहर। हाँ बशीर मेरे शोहर है। मगर मम्मी मेरे डैडी का नाम तो मुझे जहाँ तक याद है सुल्तान था। हाँ तो तेरे डैडी का नाम होगा ना, मेरे शोहर का नाम तो बशीर ही है। मम्मी ये क्या हो क्या गया आपको, ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं आप? चुप है, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, कौन है तू? अरे मम्मी मैं आपका बेटा हूँ रमीज। तू कहाँ से आ गया, अभी तो मेरा ब्याह भी नहीं हुआ। अरे मम्मी आपने अभी तो कहा आपके शौहर का नाम बशीर है और जबकि उनका नाम सुल्तान है। नहीं नहीं मेरा नाम सुल्तान नहीं, मैं रफीक की बेवा हूँ। है क्या, रफीक की बीवी? मम्मी मुझे लग रहा है ना आपको सदमा हो गया। ज़हनी सदमा रफीक के मरने का, पर ये रफीक है कौन? रिजा, मम्मी के दिमाग को पता नहीं क्या हो गया। ये रिजा कौन है भाई? डॉक्टर साहब मेरे आने देखे बहुत पीड़ कर रहे हैं, इनमें लाल भी हो गए हैं बहुत। मम्मी ये डॉक्टर नहीं है। है तो फिर क्यों मेरे आनों को इतना कूर कूर के देख रहा है? अरे ये शोहर है ना। किसकी बीवी, तुम्हारी? नहीं नहीं मम्मी ये मेरी बीवी है रिजा। अच्छा तो ये तेरी बॉटी है, तो तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पे? मम्मी हम तो रहते ही इधर है भाई। और नहीं नहीं इधर तो हम रहते हैं, तुम दोनों तो मेहमान हो हमारे। अरे मम्मी हम मेहमान थोड़ी, हम तो यही रहते हैं। और ये मेरे शौहर है रमेश, आप मेरी सास हैं। चुप है, ये तुम्हारा शौहर कैसे हो सकता है, ये तो रशीदा का मियां है। कौन 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 रशीदा? और वो जो तेरे साथ रहती है बच्चों। रमेश ये मम्मी क्या कह रही है, कौन है ये? क्या 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 हो गया तुम्हें, क्या हो गया? मैं पता नहीं मम्मी का दिमाग उलट गया है, उल्टी उल्टी बातें कर रही है। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसी बातों पर फौरन यकीन करती हूँ क्योंकि तुम हो ही ऐसे। ओए रुखसाना ये जो अजीब है ना, ये बड़ा फ्रॉडिया है, इससे जरा बच के रहना। कौन रुखसाना, कौन अजीब? और ये दोनों मियां बीवी है ना, तो होगी हमें क्या? और तुम कैसे अपना नाम भूल गई हो शबनम, रुखसाना तुम ही हो। देखा देखा तुमने देखा, ये किसी अजीब अजीब सी बातें कर रही है। रमेश देखो हमें फौरन किसी डॉक्टर को बुलाना है, वरना ये खुद तो पागल हो गई, हमें भी अपने साथ पागल कर देंगी। ओए करीम जाके फटाफट किसी डॉक्टर को लेके आ, इलाज कराना है। ओ मम्मी डॉक्टर को आपका इलाज करवाना है? क्यों मुझे क्या हुआ है, चंगी पल्ली हूँ मैं। रमेश तुम्हारे पास डॉक्टर खुरम का नंबर है ना? हाँ वो नफसियाती पागल डॉक्टर। हाँ लाओ दो मुझे, मैं बुलाती हूँ। आ जाओ मेरे पीछे आओ, आओ जाओ। ओए 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 मुझे अकेला छोड़ के ना जाओ, मुसीबतें। अरे डॉक्टर खुर्रम आप आइए 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 आइए। कौन डॉक्टर खुर्रम, मुझे यहाँ आना था, याद नहीं। अरे भाई आपको मेरी बीवी ने फोन किया था। है? मुझे किसी ने फोन किया था, याद नहीं। जी जी आया था और हमने आपको कॉल की थी। अच्छा क्या मुझे पेशेंट देखना था?
ये मुझे याद नहीं। अरे जी डॉक्टर साहब जी, आप पेशेंट देखने आए, और पेशेंट जो है ना वो मेरी मम्मी है। अच्छा, तो पेशेंट आपकी मम्मी है, ये भी मुझे याद नहीं। अरे भाई आपको क्यों याद होगा, आप साथ थोड़ी रहते हैं। अच्छा तो क्या मैं यहाँ नहीं रहता? हाँ याद आया, मैं यहाँ नहीं रहता। चलो शुक्र आपको कुछ तो याद आया। अरे डॉक्टर साहब आपको मेरी मम्मी को देखना है। हाँ क्यों नहीं, वैसे कैसी है? एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, मैंने कोई रिश्ते के लिए नहीं बुलाया, मम्मी के चेकअप के लिए बुलाया आपको। जी जी भाई, मरीज भी देख लेंगे, लेकिन पहले अपनी मम्मी दिखाई अम्मी जान। अरे भाई मेरी मम्मी ही मरीज है डॉक्टर साहब। हाँ मुझे याद आया, मैं तो यहाँ मरीजा देखने आया था। अच्छा कहाँ है मम्मी जान? हाँ वो अंदर है, आइए आइए। अच्छा तो क्या हमें अंदर जाना था? ये भी मुझे याद नहीं। अरे डॉक्टर साहब आप याद नहीं छोड़े हैं, आप आइए आइए आइए। अच्छा आइए। अच्छा तो यानी कि ये वो मरीजा है जिसे मुझे देखना है, याद नहीं है। ओ ये कौन है ओए, बसों में बदहजमी का चूरन बेचने वाला ले आए हो? मम्मी ये डॉक्टर साहब है। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, जाओ। नी बशीरा क्या नाम है तुम्हारा, इनको किचन में लेके जाओ, इनसे बिरयानी बनवाओ आज अच्छी से। अरे भाई मैं यहाँ कोई क्या बिरयानी बनाने आया हूँ? अरे भाई आप कोई बिरयानी बनाने नहीं आए, आप कोई शेफ वेफ नहीं है, आप डॉक्टर है, आप मरीजा को देखने आए। हाँ मैंने देख लिया, मुझे कोई खास पसंद नहीं आया। ये कौन है, मेरा दूल्हा है? और मुझे शर्माने तो दो। रमीज तुम क्या लेकर आए हो उठा के? अरे यार रिजा मैं इन्हें उठा कर दिलाए, खुद चल कर आए। डॉक्टर साहब कहाँ बातों में लगे, इलाज करे ना इनका, ये मरीज है। हाँ तो फिर मुंह खोलिए। अरे मुंह खोल के जबान देखते दिमाग थोड़ी। अरे भाई बात दरअसल ये है कि अगर मुझे मुंह से नजर ना आए, मैं दिमाग देखता हूँ ना, तो फिर मैं नथनों से देख लेता हूँ। अरे नथनों से नहीं, आंखों से देखते हैं। ओए कमीज कौन है ये आदमी की शक्ल में? अरे मम्मी एक डॉक्टर साहब है, आपका इलाज करने आए हैं। अच्छा जी। अच्छा तो मैं इनका इलाज करने आया हूँ, याद नहीं मुझे। रमीज ये बहुत ओवर, इन्हें समझाओ। अरे डॉक्टर साहब वो मेरी माँ है, वो मरीज है, उनका इलाज करना है, बस कीजिए इलाज। मैं बताऊँ क्या हुआ है। हाँ। मुसलसल 3 घंटे से ये बुलबुले देख रही थी, उसके बाद इनके सर में दर्द हुआ, उसके बाद से इनका ये हाल है। अच्छा 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 मैं समझ गया भाई, सबसे पहले तो इनका टीवी देखना बंद करें, और उसके बाद इनका बुलबुले देखना बंद करें। हम सर नहीं, सिर्फ आपकी मम्मी, और उसके बाद फिर मैं ऐसा करता हूँ कि इन्हें इंजेक्शन लगाता हूँ, लेकिन इंजेक्शन तो मैं लाया ही नहीं। अरे जब लाए नहीं तो लगाएंगे कैसे? यहाँ क्या मैं इंजेक्शन लगाने आया था, याद नहीं। ये कौन है जुनैद? डॉक्टर साहब आप जाएं, जाके दिमाग की कमजोरी के इंजेक्शन लेकर आए। हाँ मैं इनकी बीमारी समझ गया हूँ, अब मैं वो इंजेक्शन लेके आऊंगा। हाँ तो जल्दी जाइए, इंजेक्शन लेकर आए, लगाइए इनको। अच्छा अच्छा मैं इंजेक्शन लेने जा रहा हूँ, याद नहीं। अरे डॉक्टर साहब बोला रास्ता, यहाँ से जाओ इंजेक्शन लेकर आओ। यहाँ से? अरे संभल के संभल के, ये जाए ना इधर से यार, यहाँ से जाए, वहाँ चले जाए, वहाँ चले जाए, वहाँ चले जाए, वहाँ चले जाए। गल सुन रशीदा, कमेटी डालनी, मेरे पास 10 रुपए रखे हैं। ओ मम्मी रिजा तुम इधर आओ यार, तुम इधर आओ। तौबा है, यत्नाशुद दोषुद दोनों पागल एक ही जगह आ गए। कौन 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 कौन? मैं और तुम? अरे नहीं मैं मम्मी और डॉक्टर की बात कर रही हूँ। देखो रेजा तुम मेरी मम्मी को पागल मत बोलो, वो पागल नहीं है। हाँ तो बैकी बैकी बातें करने वाले को और क्या कहेंगे? जहीन मतलब यार थोड़ा बहुत बातें हो जाती हैं ऐसी, लेकिन वो पागल नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन वो डॉक्टर तो बावला है ना, दिमाग खराब करके रख दिया उसने। अरे यार रेजा तुमने ही फोन किया था उसे, तो मुझे क्या पता कि वो ऐसा निकलेगा, मैंने तो इश्तेहार देखा था अखबार में। वैसे मेरे समझ में नहीं आ रहा रेजा, मम्मी के दिमाग को अचानक हुआ क्या है? अरे एक चीज लगातार देखेंगे तो दिमाग पे असर तो पड़ेगा ना, यही हो गया मम्मी के साथ। हाँ मुझे लग रहा है मुसलसल ना वो जो ड्रामा है क्या कहते हैं वो, हाँ बुलबुले बुलबुले देख देख के ना उनके दिमाग पे हावी हो गया वो। अच्छा वो मम्मी के साथ और ना देखे दूसरे ड्रामे, हजरत बुलबुले बुलबुले बुलबुले, अब फूट पड़े ना बुलबुले। रिजा मम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? मैं क्या उनके दिमाग में बैठी, मुझे क्या पता कि वो ठीक होंगी या नहीं। अरे डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन क्यों नहीं लेकर आ रहे? मुझे तो ये डॉक्टर ही ठीक नहीं लग रहा, पहले तो उसका खुद का इलाज होना चाहिए, हर बात भूले जा रहे। लेकिन याद भी तो आ जाता है सब कुछ बाद में, लेकिन सामने वाला तो परेशान हो जाता है ना। अब्दुल रशीद अरे वो हमारे पड़ोसी, उनका डॉक्टर से क्या ताल्लुक? रवीश तुम्हारे भी दिमाग का इलाज होगा, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तुम्हें पी रही? हाँ हाँ क्यों नहीं, लाकी हाँ जल्दी, जो भी लाना दो लाना। पता नहीं यार क्या हो गया है, समझ नहीं आ रहा सर में दर्द क्यों हो रहा है। डॉक्टर साहब कब आएंगे यार? क्या मैं अंदर आ चुका हूँ, याद नहीं। जी आप बिल्कुल अंदर आ चुके, इंजेक्शन लाए। इंजेक्शन मुझे साथ लाना था, याद नहीं। जी जी आप एक इंजेक्शन लेने के लिए गए थे मरीज के लिए, जिसकी याद चली गई, दिमाग का इंजेक्शन। ओ हाँ याद आया, मैं इंजेक्शन लाया हूँ लेकिन रखा कहाँ याद नहीं। तो आप कौन सी अलमारियां साथ लेकर घूम रहे हैं, जेब में ही होगा देखने। क्या मैंने जेब में इंजेक्शन रखा था, याद नहीं। लाहौल वाला कुवत डॉक्टर साहब, आपको ये याद है कि आप दुनिया में आए थे, ये याद है कि आप डॉक्टर बने थे? लाहौल वाला कुवत ये कोई भूलने की बात है,
खैर भूलने की बात ठीक है, याद नहीं। डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ एक बात बताएं, क्या मम्मी की याददाश्त वाकई चलेगी या वक्ती तौर पे दिमाग उलट गया है? ये मम्मी है किसकी, याद नहीं। वही बुलबुले देख के जिनका दिमागी तवाज़ुन उलट गया है। हाँ याद आया, किसी चीज की ज्यादती उनके जहन पे असरअंदाज हो सकती है, उनके साथ भी यही हुआ है, लेकिन क्या हुआ याद नहीं, लेकिन वो ठीक हो जाएंगी। अच्छा आप वो इंजेक्शन लाए या नहीं? मैं इंजेक्शन लाया हूँ, याद नहीं। डॉक्टर साहब देखिए पहले एक इंजेक्शन आप खुद को भी लगवा लो। क्या मुझे भी इंजेक्शन लगाना है? याद नहीं। अरे तो जल्दी जाइए ना, मम्मी को इंजेक्शन लगाना है, मैं भी आई। अच्छा सुनिए, अंदर जाने लगा। हाँ याद। बशीर छतिया, ये मुझे पोलियो के कतरे पिलाने लगे। अरे मम्मी, रमीज हूँ मैं, बशीर नहीं। हाँ ओए रमीज को पोलियो के कतरे पिलाने लगे हैं। अरे मम्मी ये मुझे नहीं पिला रहे और ना ही ये पोलियो का कतरे, ये इंजेक्शन लगा रहे हैं आपको। और नहीं मुझे क्या होना है जमाल, मुझे तो पैदाइशी सारे टीके लग चुके हैं। ओ मम्मी जी, रमीज टेल रमीज। हाँ जमाल को सारे पैदाइशी टीके लग चुके हैं रमीज। अरे यार सब छोड़े डॉक्टर साहब, आप लगा इंजेक्शन। ये इंजेक्शन इन्हें लगाना है, आपको याद नहीं? डॉक्टर साहब माफ कर दो, इन्हें लगाना है, वो मरीज हैं। चुप है, मैं कोई मरीजा नहीं हूँ, मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, डॉक्टर शनाज। अच्छा तो अगर ये मरीजा नहीं है तो फिर मरीज आप हुए, आप लेट जाइए, ये टीका आपको लगेगा। अरे डॉक्टर साहब मरीज मैं नहीं हूँ, वो है, पता नहीं बुलबुले देख के इनको क्या हो गया है। अच्छा तो फिर इंजेक्शन इनको लगा देते। हाँ ओए मेरे कॉल ना आई, मैं सुई पहन दूंगी। अरे भाई ये तो मना कर रही है, आप ही लगवा लो, बैठे बैठे इंजेक्शन बोर हो रहा है। हाँ पुत्र लगवा ले, छोटी सी सुई चुभेगी बस राख होगा। अरे भाई मम्मी आप प्लीज चुप बैठिए, ये इंजेक्शन लगा रहे हैं, कोई छुरा थोड़ी मार रहे। अरे डॉक्टर साहब आप लगाइए इंजेक्शन जल्दी से। किसको लगाना आपको या इनको, याद नहीं? अरे भाई मैं इन्हें पकड़ो, आप लगाए ना इंजेक्शन। किसको पकड़ रहे, इनको या उनको, मुझे याद नहीं। और मेरे करीब मत आना मुख्तार, खबरदार। अरे ये क्या कह रही है, मेरा नाम मुख्तार है? याद नहीं। अरे यार सब कुछ छोड़े नाम शाम, हाँ बस इन्हें लगा इंजेक्शन, मैं इधर आंखें बंद कर रहा हूं। अच्छा ठीक है। रमीज उठो, होश में आओ। अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे 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 रमीज होश में आ रहे, रमीज उठो तो। हुआ क्या है रमीज? ओह हो मेरा सर। हाँ अरे तुम क्या कर रही है यहाँ पे खूबसूरत? थैंक यू। किस बात का? तुमने मुझे खूबसूरत कहा ना। अरे तुम्हें खूबसूरत कहा इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम खूबसूरत हो, तुम्हारा नाम खूबसूरत है। या? लेकिन मेरा नाम तो रिजा है। एक सेकंड, एक मिनट, एक तुम कौन हो, खूबसूरत कहाँ गई? क्या हो गया रमीज? रमीज कौन? रमीज मैं तो नबील हूँ। क्या हो गया तुम्हें रमीज? अरे तुम कौन हो, हमारे घर में क्या कर रही हो, और माजी कहाँ है? लो लगता है इंजेक्शन का असर उल्टा हो गया। इंजेक्शन? कौन सा इंजेक्शन? है ये बताओ कि खूबसूरत कहाँ है? खूबसूरत वो तो फिल्मों की तरफ निकल गई, अब मैं आ गई हूँ उससे भी खूबसूरत। ओहो बेबी तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम कोई और हो, तुम अपने आप को देखो जरा। रमीज आई हेट यू। कौन रमीज? तुम्हारा बॉस? अरे 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 तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं कि मैं कौन हूँ? मुझे नहीं पता तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। लगता है दूसरा इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। हेलो कौन सा इंजेक्शन, किधर का इंजेक्शन? और तुम बताओ तुम कौन हो, और ये माजी कहाँ है, खूबसूरत कहाँ है, वो महमूद साहब कहाँ है? अरे वो सब तो बुलबुले में है, हम बेवकूफिया में है। अच्छा जिसमें हमें वो बेवकूफिया है जी। अच्छा जी अब महमूद साहब कहाँ है? ओफो रमीज प्लीज खामोश हो जाओ। अच्छा माजी कहाँ है बता दो। वो अंदर है, जाओ मिल लो। ओफो एक तो पता नहीं कौन ये अजनबी लड़की मेरे घर में आ गई है, जाके माजी से पूछता हूँ। माजी ये क्या हो रहा है, मम्मी मोमा बन गई, रमीज नबील बन गया और मैं खुश? नहीं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बेवकूफिया बुलबुले बन जाएगा और ये मैं नहीं होने दूंगी। मैं डॉक्टर से बात करती हूँ, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर अम्मी जी, अम्मी जी, माँ जी, आंटी जी, आपने मेरी मम्मी जी को देखा है? मम्मी जी तुम्हारी जो है ये आदमी है या जनानी? अरे मेरी माँ है तो औरत ही हुई ना। और तू कौन है? अरे भाई मैं नबील हूँ। है नबील मेरा पुत्र और मैं माँ जी हूँ। अरे भाई आप माँ जी है माँ जी, मगर आपकी शक्ल मेरी माँ जैसी तो नहीं है। तो मेरा पुत्र कौन सा तेरी शक्ल का था सदीक? अरे माँ जी छोड़िए यार, लगता है हमने ना शायद वो प्लास्टिक सर्जरी करवा रही हो। और कहाँ से कराएंगे पुत्र, हमारे घर में इतना प्लास्टिक है कहाँ? ओ माँ जी। और तेरी वो कहाँ है? कौन वो माँ जी? वो जो सबके होते हैं। सबके क्या होते हैं माँ जी? और तेरी बोटी कहाँ है वो पूछ रही हूँ। अच्छा आपस में मियाँ बीवी जो होते हैं उनका जो बेटा होता है वो?
बाप अब्बा डैडी ये हाँ, हाँ, तेरा अब्बा कहाँ है अकरम? अरे अकरम नहीं, उनका नाम महमूद साहब है। हाँ महमूद साहब, अकरम कौन है, कहाँ है? ओह मम्मी। अच्छा चल दफा कर, ये बता ये जो कुड़ी इस कार में घूम रही है वो कैसी? अच्छी है माँ जी, मगर क्यों? तेरा ब्याह कराना है ना इससे? अरे माँ जी मगर मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। चुप कर, मुझे तेरी बीवी नकीना एक आंख नहीं भाती। अरे भाई वो खूबसूरत, वो हाँ खूबसूरत। हाँ मुझे तेरी आंख है खूबसूरत नहीं भाती। माँ जी मगर वो है कौन? नहीं पुत्र, उसके घर रहने आए तो पता तो करना जाके। अरे सब छोड़े, आप ये बताएं आपको कुछ खाना है, भूख लगी आपको? हाय जुगनू पुत्र, मुझे बड़ी भूख लगी, मुझे कुछ खाने को ला दो। माँ जी नबील, माँ जी मैं माँ जी नबील, मैं लेकर आता हूँ खाना। अच्छा इतनी फटाफट लेके आओ। डॉक्टर साहब ये क्या किया आपने? क्या क्या मतलब क्या? मेरे शौहर की शख्सियत ही बदल दी। मैंने उनकी शख्सियत? अच्छा मुझे शख्सियत बदलना आता है, याद नहीं। अरे अपने नहीं, मेरे शौहर के, आपने मेरे शौहर को इंजेक्शन लगा के वो बुलबुले वाला नबील बना दिया। भाई बात दरअसल ये है कि आपकी वालदा को जब मैं इंजेक्शन लगाना चाह रहा था तो उन्होंने कहा लगाएं लगाएं लगाएं, तो मैंने लगा दिया। वो मम्मी को इंजेक्शन लगाने का कह रहे थे, आपने उन्हीं को लगा दिया। अच्छा तो जिनके मैंने इंजेक्शन लगाया वो आपके शौहर थे, याद नहीं? अरे डॉक्टर साहब आप घर में दो जहनी मरीज हो गए, एक मम्मी और एक रमीज, अब आपको दोनों को अलग अलग इंजेक्शन लगाना होगा। आपके पास दोनों इंजेक्शन हैं? मैं इंजेक्शन लाया हूँ, याद नहीं? अरे हाँ ना लाए तो है, तभी तो आपने रमीज के लगाया था। हाँ हाँ लाया हूँ लाया हूँ। अब आपको एक कोशिश करनी पड़ेगी कि ये दोनों बुलबुले ना देखे, वरना इनकी याददाश्त वापस नहीं आएगी। मैं टीवी तोड़ दूंगी, लेकिन आप फिक्र मत करें, मेरे मियाँ को बस ठीक कर दी। और आपकी सास को? अरे उनको ऐसे ही रहने दे, जीना हराम कर रखा है उन्होंने मेरा। अच्छा तो फिर जैसे आपकी मर्जी, मैं इंजेक्शन लगाऊं, याद नहीं? ऑफ कोर्स लगाना है, लेकिन आप मुझे मत लगा दीजिएगा, मेरे शौहर को लगाना है। तो फिर किसको लगाना है, याद नहीं? अरे चले तो सही, मैं बताती हूँ। मुझे कहाँ चलना है, याद नहीं? पेशेंट के पास चलना है। हाँ याद आया, आपके सुसर को इंजेक्शन लगाना है। सुसर नहीं, शौहर, शौहर रमीज। अच्छा अच्छा शौहर, याद नहीं? ओफो चले मेरे साथ, आए कहाँ? इधर तो आए चले। अरे मैं रमीज नहीं हूँ भाई, मैं नबील हूँ। और ये इसे किसने मेरे पीछे चाबी भर के लगा दिया खुशबू? अच्छा मैं चाबी से चलता हूँ, मुझे याद नहीं है? अरे डॉक्टर साहब इसे पकड़िए और पटक के इंजेक्शन लगा दीजिए। देखो लड़की तुम ऐसा नहीं कर सकती, अगर वो वो वो, वो क्या नाम है, खूबसूरत आ गई ना तो वो तुम्हारा हशर खराब कर देगी। अरे बाहर भी गई खूबसूरत, मुझे अपना शौहर वापस चाहिए। क्यों, क्या मेरे पास रखवाया था क्या? डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाए ना डॉक्टर साहब। किसको, आपको? अरे नहीं भाई मेरे शौहर को। अच्छा ये आपके शौहर? अच्छा मुझे याद नहीं। अरे मुझे तो याद है ना आप इंजेक्शन लगाए। अरे डॉक्टर साहब बता दें, इंजेक्शन नहीं लगाते गोलियां देते हैं। मैं गोलियां देता हूँ, बहुत देता हूँ, गोलियां देने का तो माहिर हूँ मैं। अरे यार जिस चीज में आप माहिर है ना वो गोलियां है। हाँ जी। अच्छा जी डॉक्टर साहब आप इंजेक्शन लगाते या मैं आपको इंजेक्शन लगाऊं? जो उनको लगाओगी वो इंजेक्शन होंगे। नहीं थप्पड़। जी जी हाँ डॉक्टर साहब ये तो आपको मारने लगी, आप इसे इंजेक्शन लगा दो। खबरदार खबरदार, मैं मरीज हूँ, मरीज ये है, और आप दिमाग के डॉक्टर है, आप यहाँ इसका इलाज करने आए, वो भी दिमागी। मैं दिमाग का डॉक्टर हूँ, ये मुझे याद नहीं? आप फिर कभी याद करके आ जाना, आप अभी घर जाए, घर जाए जाए जाए। अच्छा मुझे चलना था, मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब आप ये इंजेक्शन मुझे दीजिए। आप ये इंजेक्शन मुझे आपको देना था? जी मुझे इनको लगाना है। अच्छा आपने इनको लगाना, ये मुझे याद नहीं? ये लेकिन करेंगे क्या? ये मैं अब रमीज को लगाऊंगी। अरे तो रमीज को लगाओ, मैं नबील हूँ। सलीम 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 फटाफट आइए, मुझे फिर पैदाइश के बाद वाले टीके लगा रहा है। ये क्या अभी पैदा हुई है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब ये बहुत पुराने दौर की खातून है। अच्छा यानी बहुत कदीम जमाने की। मैं तुझे बता रही हूँ सलमा, तू बहुत गलत कर रही है, अगर मैं मर गई ना तुझे वो हो जाएगा। क्या खांसी? नहीं जो मुंह में अंधेरे होते हैं सुबह। और नहीं नहीं जिसमें लंबा गला हो जाता है मुजरिम का। फांसी 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 हो जाएगी तुझे अगर मुझे कुछ हुआ तो। तो इंजेक्शन मैं कौन सा लगा रही हूँ, ये लगा रहे हैं? हाँ हाँ इंजेक्शन मेरे हाथ में, ये देखिए। बाज आ जा मुश्ताक, वरना मैं शोर मचाऊंगी। मेरा नाम मुश्ताक है, याद नहीं? ओह ओह मम्मी मेरे सर, मेरे सर आ गया मेरा पुत्र गुल्लू। गुल्लू? वो गुल्लू? मम्मी मैं गुल्लू शुल्लू नहीं हूँ। तो फिर कौन है, रजाक? नहीं मम्मी कौन रजाक, मैं रमीज। शुक्र है रमीज तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई, बस अब इनकी याददाश्त वापस लानी है। हाँ हाँ तो जल्दी से इंजेक्शन लगाए ना डॉक्टर साहब इनको। नहीं 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 मेरा नहीं, मेरे मैंने नहीं, मुझे बहुत डर लगता है इंजेक्शन से, मैं नहीं इंजेक्शन लगवाऊंगी वकील साहब से। मैं क्या वकील हूँ? अच्छा याद नहीं? अरे यार आप डॉक्टर साहब है, वकील थोड़ी।
और हाँ इंजेक्शन लगाए, मैं मम्मी को यहाँ से पकड़ता हूँ। रिजा तुम फौरन से आओ, फौरन से मम्मी को यहाँ से पकड़ो और फौरन से ना फौरन से इंजेक्शन लगाओ, इंजेक्शन लगाओ, इंजेक्शन लगाओ। अच्छा इंजेक्शन मुझे लगाना है, याद ही नहीं है, ये लो भाई। अरे अरे डॉक्टर साहब ये क्या किया, ये इंजेक्शन तो मम्मी को लगाना था। अरे कौन डॉक्टर, मैं तो नवीन हूँ भाई, कहाँ है मोमो। अरे नवीन कहाँ हो, जल्दी आओ, इतनी प्यारी लड़की है उससे शादी कर लो खूबसूरत चाहने से पहले। चुप है, खबरदार जो तुमने शादी का नाम लिया हो तो जावेद। अरे मैं महमूद हूँ, महमूद मोमो। खबरदार जो तुमने महमूद का भी नाम लिया हो तो। रवि सबसे पहले तो तुम केबल वाले को फोन करो और उससे कहो कि केबल बंद कर दे। वो जो बंद करना है वो फोन है जी? नहीं अपना मुंह है, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो। लेकिन एक लफ्ज़ मैं छुपने के लिए जगह चाहिए वरना वो गुंडे आके मुझे ले जाएंगे। 5 कत्ल किए और छठा 13 होगा। नहीं नहीं क्यों 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 भाई, मेरा क्यों कत्ल करोगे? किसी ने तुम्हें वो सुपारी दी है क्या? अबे ना तेरी किसी ने सुपारी दी है ना पान मसाला, मैं तो सोनिया को लेने आया हूँ। और गल सुनो डर का, जगह है जगह, जो भी है तू अभी हमारी हिफाजत में, हम इसे कहीं नहीं जाने देंगे। ये छुरा देखा है? हाँ मुझे पता है, 5 कत्ल तुम इस छुरे से कर चुके हो और छठा भी कर दोगे। मेरा तुम्हें बड़ा शौक है छठे नंबर पे आने का, लो मरो उसके। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।